नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल और आप देख रहे हैं एमके अनबॉक्सिंग। आज के इस वीडियो में मैं एक ह्यूमिडिफायर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं क्या है बॉक्स में। और 500 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो देख लेते हैं इस पे। ये पहले बॉक्स देखिए, ये इस टाइप का बॉक्स है, काफ़ी सही बॉक्स लग रहा है मुझे। ये यहाँ पर फ़ोटो बना हुआ है कैसा है अंदर, और यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्लीन लिखा हुआ है, और यहाँ पर पता नहीं चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, 180 ml लिखा हुआ है। यहाँ पे 4.5 से 8 घंटा तक इसका स्प्रिंग टाइम है शायद, ये लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कैसे इसको करना है, कैसे इसमें पानी डालना है और कैसे इसको ऑन करना है। और यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, LED लैंप है, मतलब इसमें लाइट भी जलता है। और ये यहाँ पे पता नहीं कार का एक फ़ोटो दिया हुआ है किस लिए। और यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुआ है, ये कलर के लिए है, ये वाइट कलर वेरियंट में है। चलिए खोल लेते हैं जल्दी से। और अगर आपको मेरा वॉइस अगर कम आ रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स खोलते ही देख सकते हैं कोई भी सील नहीं था इस पर। और यहाँ पे पता नहीं चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया था तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेट कुछ लिखा हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। इसका कोई काम नहीं है। और ये यूज़र मैनुअल है, इसमें चाइनीज और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इस साइड चाइनीज में है और इस साइड इंग्लिश में है, ये सब देख सकते हैं आप। यहाँ पे बताया हुआ टेंशन में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं, इसको निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है, ये इसका डिज़ाइन काफ़ी सही है। अभी आपको पता नहीं चल रहा पा रहा होगा, लेकिन आप जब इसको बाई करेंगे, मैंने इसको अमेजोन से बाई किया है, इसका प्राइस में अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसके देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो अंदर आपको USB केबल मिलता है, और एक अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। और बॉक्स में देखते हैं क्या है, बॉक्स में एक आपको कॉटन स्वैब मिलता है, इसको अगर आपको रिप्लेस करना हो यहाँ से तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से इसको खींचेंगे और इसको निकाल करके यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें एक स्प्रिंग दिया हुआ है अंदर में, ये देखिए स्प्रिंग है, चलिए छोड़िए इसको। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब इसको खोलिएगा तो ये निकले ना, तब गिर ना जाए। इसको पहले अंदर डालेंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे, धीरे से लगाना है इसको ताकि ये मुड़े ना वहाँ से। उसके बाद इसको रख देना है, पानी डालना है यहाँ पे, पानी डाल करके और इसको बंद करना है अच्छे से। आपको पानी यहाँ तक डालना है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैक्स लाइन लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों इसने, इन लोगों ने यहाँ पे क्यों चिपकाया हुआ है, यहाँ मैक्स लाइन लिखा हुआ। आपको इस लाइन से नीचे ही तक पानी रखना है और इसमें बंद कर देना है, इसको अच्छी तरह से बंद करना है। यहाँ पे USB स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे बटन है, और यहाँ से स्प्रे होगा। और ये कुछ डिज़ाइन है, यहाँ से लाइट निकलेगा, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। इसमें बैटरी नहीं है, आपको यहाँ से केबल से चार्जिंग केबल से आपको ऑन करना पड़ेगा, मोबाइल का किसी भी चार्जिंग केबल से आप ऑन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये केबल है, मैं तो इस केबल को मैं अभी रख देता हूँ, मैं दूसरा केबल दिखाता हूँ आपको। और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसमें बैटरी नहीं है, तो मैं आप इसको पावर बैंक से भी चला सकते हैं, तो मैं अभी आपको पावर बैंक से दिखाता हूँ। मैं पहले इसमें पानी भर लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने आता हूँ। तो मैंने पानी इसमें भर लिया है, देख सकते हैं मैंने वहीं तक पानी भरा है। तो इसमें एक लिखा हुआ था यहाँ टेंशन में कि मतलब इसको लगा, पानी भरने के बाद जैसे आप अगर नया नया अभी निकाल करके शुरू करना है तो पहले आप पानी भरेंगे उसका, इसको 10 मिनट तक अंदर डाल करके छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉटन है उसमें पानी अच्छी तरह से सोख लेवे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी बहुत तेज़ी से ही सोख लेगा, 5 मिनट में आप कर सकते हैं। तो अगर और इसमें जो पानी है वो नॉर्मल पानी अगर आप डालेंगे तो ये, अगर आपके पानी में अगर गंदगी है तो हो सकता है इसका जो स्प्रेइंग वाला काम है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं क्या कर रहा था, इसमें जो आप अगर इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे तो इसका जो स्प्रेइंग ऑप्शन है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल पानी होता है टैप वाटर उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में कैल्शियम पूरा जम जाएगा, जैसे आप एक्वेरियम में देख पाएंगे जैसे जम जाता है उसी टाइप से, यहाँ पर भी जम सकता है। सो इसमें आप अगर बोतल वाला पानी डालेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और बोतल वाला पानी ठंडा मत डालिएगा, नॉर्मल पानी डालिएगा, क्योंकि अगर ठंडा डालिएगा तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, बर्फ़ टाइप का फॉगी टाइप हो जाएगा, तो अच्छा से स्प्रे नहीं कर पाएगा ये।
चलिए मैं इसको, मैं वही बकवास बंद करता हूँ और इसको बताता हूँ, लेकिन ये बकवास नहीं था ये आपके लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका ये सामान ख़राब नहीं हो इसलिए, क्योंकि इस टाइप से यहाँ पे लिखा तो हुआ है लेकिन मैंने जो बताया वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब इसको बंद कर सकते हैं, एक बार बंद करेंगे तो ये लीक है, गिरेगा नहीं पानी, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं इसको। वैसे ऐसे 5 मिनट तक इसको ऐसे 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 कर दीजिए, 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं हिलाते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। आप 5 मिनट तक इसमें पानी डाल करके 5 मिनट इसको बंद करके रख दीजिए, उसके बाद 5 मिनट जब हो जाता है तो आप इसमें यहाँ पर ये केबल मैं खोजता हूँ, इसको भी मैं खोलूँगा नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, लगाते ही ऑन नहीं होता ये, लगाने के बाद यहाँ पे आपको बटन दबाना पड़ता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है फॉग इसका, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए फोकस करके, और इसमें से जो पानी निकलता है वो मतलब ठंडा ठंडा ही रहेगा अगर नॉर्मल पानी भी डालेंगे तो, देखिए करते हैं आप, और पानी हाथ में बिल्कुल भी लगता नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी हाथ में पानी लगा नहीं है, मतलब आप इसको थोड़ा देर तक अगर ऐसे करके रखेंगे 5 मिनट तक तो पानी तो आखिर वो पानी ही स्प्रे कर रहा है, तो 5 मिनट तक अगर 2 मिनट तक भी अगर ऐसे रखते हैं तो देखिए यहाँ पे पानी हो जाता है, देखिए देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देखिए पानी यहाँ पर, तो यहाँ से स्प्रे करता ही है। और इसमें लाइट फंक्शन ऑन करने के लिए आपको ये जो बटन है इसको 2 सेकंड के लिए दबा के रखना पड़ेगा, तो ये ऑन हो जाता है, 1 ही सेकंड में ऐसा ऑन हो जाता है, उन्होंने वहाँ पर 2 सेकंड लिखा हुआ है। तो ये जो कलर है वो कलर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये खुद ब खुद चेंज होता है, सिर्फ आप इस कलर को रोक सकते हैं, जैसे ये कलर है, जैसे देखिए आप धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, देखिए ऐसे, आप इसको अगर छोटे रूम में अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, अगर आपको बड़े रूम में लगाना है तो आप रात को ऑन करके पानी डाल के इसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए रूम में ऑन करके, और सुबह तक पूरा ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगा, तुरंत इसमें इफेक्टिव नहीं होगा, ये आपको रखना पड़ेगा थोड़ा देर तक, देखिए जैसे कलर चेंज हो रहा है, मान के चलिए आपको ये कलर पसंद आ गया, आपको इसको रोकना है तो इसको थोड़ा देर तक 2 सेकंड 1 ही सेकंड तक आपको दबा करके प्रेस करके रखना है, तो ये देखिए एक बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे रख सकते हैं टेबल पर रखने के लिए, काफ़ी बढ़िया है, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये टेबल डेस्क के लिए रखने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैं आपको बताता हूँ इसका साइज़ कितना है, ये देख सकते हैं मेरे हाथ के हिसाब से, ये देखिए काफ़ी साइज में है, ये बढ़िया है, 6 इंच तक है, 6 इंच नहीं है, ऐसे 5 इंच 5.5 इंच है ये, और इस टाइप से आपको ये आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं 3 इंच तक है, तो आपको साइज़ का भी अनुमान लग जाएगा कितना कितना बड़ा ये। ऐसे इसका जो वाटर का कैपेसिटी है वो 180 ml का है, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अब वीडियो बंद करता हूँ, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, और 500 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब इसको कॉटन भी मैंने चेंज करने के लिए बता ही दिया, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।